नमस्कार दोस्तों, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आईसीआर की जो एग्जाम है वो हमारे नजदीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार आईसीआर के एग्जाम में शामिल होंगे। ट्वेल्थ पास होने के बाद ऑनलाइन एग्जाम देने का स्टूडेंट को बहुत सारों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑनलाइन एग्जाम का एक अलग डर रहता है कि ऑनलाइन पेपर हमको कैसे करना है, कैसे आईसीआर की एग्जाम होगी। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज आपको आईसीआर की एग्जाम कैसे देना है, उसमें क्या क्या हमारे को सावधानियां रखना है, हम वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपको अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहना है तो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम का हेजिटेशन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आज मैं आपको आईसीआर की जो एग्जाम होने वाली है हमारी, उसका मॉक टेस्ट कैसे अटेंड करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम गूगल जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हमको यहाँ एनटीए यहाँ पर टाइप करना है, क्योंकि आईसीआर का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है, इसलिए हमको एनटीए की साइट पर जाना है। हम एनटीए पर जाएंगे, जैसे ही हम एनटीए को क्लिक करेंगे हमारे सामने पेज आएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये मेडिकल, इंजीनियरिंग और बहुत सारी अलग अलग परीक्षाओं में एग्रीकल्चर की ये सारी परीक्षाएं ये एजेंसी कराती है। तो हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये जो साइट है इसके पेज से हम अंदर चले जाएंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको स्क्रीन नजर आएंगे, है ना, बहुत सारे आपको ऊपर फोल्डर्स दिख रहे हैं। इन सारे फोल्डर्स में से हमको स्टूडेंट वाले फोल्डर में जाना है। आप स्टूडेंट वाले फोल्डर में जाएंगे। स्टूडेंट वाले फोल्डर में जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने आ गया टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट की प्रैक्टिस करना है तो इसके अंदर हम चले जाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अंदर हम चले गए, मॉक टेस्ट हमारे को देना है तो आप देखोगे आपके सामने स्क्रीन आएगा सिलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर। आप कौन सी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो हम यहाँ से उस एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम है कौन सा है, बहुत सारे एग्जाम में से आपको देखना है। जैसे हम आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें जाना है आईसीआर AIEEUG, ये हमारा एग्जाम हो गया। नीचे आ रहा है पेपर, आप कौन से सब्जेक्ट से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर है इसके अंदर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर का टेस्ट दें तो ये आप देख रहे हो एग्रीकल्चर, हम इसके यहाँ क्लिक कर दिया तो अब हमारी परीक्षा आ गई, हमारा पेपर आ गया। हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट मॉक टेस्ट। ये हमने मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया। अब मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया है तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन के लिए आपसे मांगा, लेकिन ये डेमो है, मॉक टेस्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी यूजर और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लॉगिन पर जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा ही मेन एग्जाम में आप करेंगे तो एग्जाम के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या हमारे को यहाँ पर करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो एग्जाम में हमारे को ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ड्यूल लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आपका जो मीडियम हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अंग्रेजी में है, आप हिंदी में चाहते हैं, आप जैसे ही हिंदी वाला क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन हिंदी में आ जाएंगे। सारे निर्देश आपको यहाँ हिंदी में दिए हुए हैं, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। सारे निर्देश पढ़ते जाएंगे इस स्क्रीन को हम आगे करते जाएंगे। आखिरी में यहाँ पर आएगा कि हमारे को, हमने सारे निर्देश पढ़ लिए हैं, मुझे समझ में आ गए हैं और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। जैसा ही आप बोलेंगे यहाँ पर आपको राइट टिक करना है, टिक करने के बाद हम कर देंगे प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने यहाँ पेपर ओपन हो जाएगा। मेन एग्जाम में भी आप देखोगे इसी तरह का आपका पेपर स्टार्ट होगा। अब हमारे को यहाँ पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें कौन कौन सी हैं
उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ये लिखा है योर नेम, तो एग्जाम में हमारे को देखना है कि हमारा ही नाम है, ये चीज पहली बात हो गई। दूसरा हमारे को देखना है आईसीआर यूजी, यूजी का ही पेपर होना चाहिए। थर्ड हमारे को यहाँ ध्यान रखना है सब्जेक्ट, क्या हमने जिस सब्जेक्ट से अपीयर हुए हैं उसी सब्जेक्ट का पेपर है कि कोई और पेपर आ गया। साथ में यहाँ कैंडिडेट की फोटो रहेगी, ये सारी चीजें हमारे को सबसे पहले चेक करना है, गलती से कोई दूसरा पेपर हमने लॉगिन तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा कुछ हो तुरंत हमारे को परीक्षक को बताना है कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है और ये हमारा पेपर नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो रिमेनिंग टाइम, यहां पर एक घड़ी लगी हुई रिमेनिंग टाइम। देखो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण ये है इस पेपर में 60 क्वेश्चंस हैं और टाइम दिया है 50 मिनट, तो ये जो घड़ी है ये जो टाइम है इसको हमें देखते रहना है। लेकिन हर क्वेश्चन के बाद टाइम नहीं देखना है, ये भी ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम घड़ी को देखेंगे और इस प्रकार से टाइम को मैनेज करते चलेंगे। तो ये हमारी सामान्य बातें हो गई। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई क्वेश्चन के ऊपर हमारे को देखना है कि किस तरह से प्रश्न को हल करना है, तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आपको अलग अलग कलर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ब्लैंक है, कोई कलर नहीं है क्वेश्चन पर। ये देखो 1 to 60 क्वेश्चन ये यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस पे कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है इसका मीनिंग है नॉट विजिटेड, मतलब अभी तक हम उस क्वेश्चन पे गए ही नहीं है, हमने क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया। ये देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं, इसलिए ये रेड हो गया, बाकी सारे आपको ब्लैंक दिख रहे होंगे। रेड होने का मतलब है विजिट तो हमने कर लिया बट नॉट आंसर्ड, हमने यहाँ विजिट किया है लेकिन अभी आंसर नहीं किया है। इसके बाद थर्ड में आता है ग्रीन, इस ग्रीन का मीनिंग होता है कि हमने आंसर कर दिया है। फिर आता है ये आपको पर्पल सा कलर दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब है मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब हम उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, उसका आंसर हम बाद में करेंगे। लास्ट में यहां पर आता है इस पर्पल के साथ आपको ग्रीन दिख रहा हो, इसका मीनिंग है आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। अब ये कैसे काम करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अरहर को आम तौर पर निम्न नाम से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन हमारे को ये क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे हिंदी इस तरह से लिखी रहती है कि आप समझ नहीं पाओगे, तो हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हमको अंग्रेजी में मिले। तो करना क्या है, यहां से देखो हम इसको इंग्लिश कर देंगे, जैसे ही आप इंग्लिश करोगे क्वेश्चन अंग्रेजी में, ये क्वेश्चन आ गया। पिजन पी इज कॉमनली नोन एज, अब मान लो हमारा आंसर है रेड ग्राम, हमने ये रेड ग्राम फर्स्ट को क्लिक किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे ही हमने क्लिक किया हम क्या करेंगे सेव करके नेक्स्ट कर दिया, सेव करके नेक्स्ट हो गया। तो देखो जरा यहाँ जो रेड था नॉट आंसर था अब ग्रीन हो गया, ग्रीन का मीनिंग क्या है आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आए, विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस, ये क्वेश्चन जो है हम चाहते हैं कि अभी जल्दी हमको इसका उत्तर याद नहीं आ रहा है, हम तो बाद में देखेंगे। अब बाद में देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, हमने ये मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब आप देखो सेकेंड क्वेश्चन ये पर्पल कलर में हो गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्क फॉर रिव्यू, मतलब हमने इसको पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा है लेकिन आंसर नहीं किया और आगे बढ़ गए। हम अगले क्वेश्चन पर आए, हमने अगला क्वेश्चन देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ, काउ की ब्रीड कौन सी नहीं है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जर्सी, हेलिकर, ब्राउन स्विस, रेड डेन। अब इसमें हमारे को ये देखना है कि एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ नहीं है, विदेशी नस्ल नहीं है, तो हेलिकर हमको लग रहा है कि ये विदेशी
नस्ल नहीं। अब हमने आंसर तो कर दिया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बाद में टाइम बचा तो एक बार और सोचेंगे क्या ये आंसर सही था कि नहीं था। तो हम क्या कर देंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। जैसे ही आप ये करेंगे, आप देखो यहां हमने पर्पल के साथ ग्रीन, इसका मीनिंग क्या है कि आंसर तो हमने कर दिया, लेकिन बाद में अगर टाइम मिला तो हम इसको फिर से देखें। अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, या हमारा कोई और सब्जेक्ट है, तो हमको क्या करना है, हमको सीक्वेंस चेंज करना। मान लो हमारा 20 क्वेश्चन से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है और हम 20 से स्टार्ट करना चाहते हैं, बाकी हमको नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 20 क्वेश्चन को टिक करेंगे। ये हम 20 पे आ गए, सीधे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन आ गया तो बीच में जो क्वेश्चन है आप देखोगे इन पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नॉट विजिटेड, ये नॉट विजिटेड हो गया। तो इस तरह से ये जो सारे ऑप्शन हैं इनके मतलब आपको क्लियर हो गए। एक बार फिर बोल रहा हूं, यहां पर जो हमने देखा ये वाले चार्ट में आप देखोगे कि 5 to 19 क्वेश्चन जो हैं इनको क्या आ रहा है, नॉट विजिटेड, मतलब अभी तक हमने इसको विजिट नहीं किया है। ये देखो ये यहां से आ तक के नॉट विजिटेड में। अब क्या है, रेड का मीनिंग है नॉट आंसर्ड। हमने सेकंड क्वेश्चन को देखा था लेकिन आंसर नहीं किया, 20 को देखा लेकिन हमने आंसर नहीं किया, तो ये नॉट आंसर आ गया। फर्स्ट को हमने क्या किया था, आंसर कर दिया था, उत्तर दे दिया था, तो फर्स्ट में क्या आ गया, आंसर्ड, ये हमको यहां से पता चल रहा है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पर हमने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू, हमने केवल यहां पर मार्क लगाया हुआ है, आंसर नहीं किया, जबकि थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने आंसर करके फिर मार्क कर दिया। अब हमारे को क्या करना है कि ये क्वेश्चन चेक करना, सेकंड वाला क्वेश्चन है, हमने उस सेकंड वाले क्वेश्चन पर जब आएंगे, ये सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया, इसको हमने देखा नहीं था, बाद में देखना है। हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर आए, हमने यहां आकर मान लो ये झाइलम लगाया, फिर हमने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब हमारे को क्या है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फिर से देखना है कि हमने यहाँ आंसर क्या किया है। हम यहाँ पर जब वापस आए हमने आंसर मान लो हेलिकल किया, लेकिन हम चेंज करना चाहते कि पहले हमने लगाया वो हमको गलत लग रहा है, हमने मान लो चेंज करना, ये थर्ड कर दिया, ये सेव करके नेक्स्ट कर दिया। इस तरह हमारे को सारे क्वेश्चन देखना है, साथ में टाइम का ध्यान रखते जाना है, और हम ये जो चार्ट है इसके हिसाब से प्रश्न को हल करते चले जाए। हिंदी में चाहिए तो यहां से क्वेश्चन हिंदी में आ जाओ, ये देखो ये हिंदी में आ गया। अंग्रेजी में चाहिए यहां से आप वापस चले जाओ, आप देखोगे अंग्रेजी आ जाएगा। ये टेबल यहां पर दिया हुआ है, इससे हम समझ जाएंगे किस तरह से हमारे को प्रश्न हल करना है, उत्तर लगाना है, सीधे आगे बढ़ना है, फ्लैग लगा के मार्क करके आगे बढ़ना है, आंसर लगा के मार्क करना है। ये सारी चीजें, सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ बताए। अब ये सारी चीजें होने के बाद हमारे को क्या है, यहाँ पर लास्ट में जितने क्वेश्चन हमारे हो गए हैं तब हमारे को सबमिट करना है। अब सबमिट करने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, मान लो टाइम समाप्त हो गया और आप सबमिट नहीं कर पाए तो अपने आप सबमिट हो जाएगा और आपने जितने क्वेश्चन के आंसर किए थे वो लग जाए, इसलिए सबमिट में जल्दबाजी नहीं करना है। जब हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, हमने सारे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इधर से हमने सारे चेक कर लिए, तो इसको चेक करने के बाद लास्ट में जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तब हम सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद भी डायरेक्ट सबमिट नहीं होगा, वो पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस करने से पहले एक बार हमारे को समरी देख लेना, क्वेश्चन कितने थे, 60 थे, आंसर्ड कितना था, तो यहाँ पर आंसर्ड में आपका आना चाहिए, नॉट आंसर्ड ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्क फॉर रिव्यू तो हमने देख लिया 0 है, मतलब हम सारे चेक कर चुके हैं, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू ये भी नहीं है, फिर यहाँ पर देखा हमने नॉट विजिटेड, तो नॉट विजिटेड में 0 आना चाहिए, मतलब हम सारे क्वेश्चन विजिट कर चुके हैं, आंसर चाहे ना लगाए लेकिन विजिट हर क्वेश्चन करना है,
ये आपको जीरो देखना है, उसके बाद अगर आप संतुष्ट हो गए, आर यू श्योर, यस, जैसे ही आप यस दबाएंगे, थैंक यू, सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहां पर आप व्यू रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट भी यहां पर देख पाएंगे, क्वेश्चन आंसर। और इससे आपको देखो यहां पर रॉन्ग क्वेश्चन 3 फिर करेक्ट, ये आपको सारा क्वेश्चन का यहां पर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड क्वेश्चन फिर रॉन्ग है, ये सारा हमारे को मिल जाएगा, हम ये भी यहां पर देख सकते हैं। इस तरह से ये हम आईसीआर का, नीट का मॉक टेस्ट इस तरह से हम यहां दे सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है ये सारी बातें मैंने बताई, तो आपको मॉक टेस्ट देना जरूर है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप जब एग्जाम में जाएंगे तो ये जो प्रेशर है ऑनलाइन एग्जाम का, ये आपके ऊपर नहीं रहेगा, आप केवल अपने जो क्वेश्चन है उसी पर कंसंट्रेट करेंगे, इससे आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो ये मॉक टेस्ट के बारे में सारी जानकारी हो गई। एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी अपने एप्लीकेशन के ऊपर मॉक टेस्ट चल रहे हैं, है ना, बीएचयू का मॉक टेस्ट है, अभी आईसीआर का मॉक टेस्ट हो चुका है, आप वहां भी देकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद दोस्तों।